हे हाय हेलो। तो आज मैं जो है आपसे बात करने वाला हूँ करप्शन के टॉपिक के बारे में, यानी भ्रष्टाचार के बारे में। तो मैंने जब मैं घर से आ रहा था बस में, तो दो मित्र मिले, अनजान थे। तो हम लोगों आपस में जब कन्वर्सेशन शुरू किए तो धीरे धीरे बात होते होते भ्रष्टाचार और करप्शन पे लेकर हमारी बातें होने लगी। और जब बात हो रही थी तो बात होते होते मैंने कहा कि मैं जब भी कोई अपनी सरकारी जॉब करूँगा तो मैं अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक या निष्ठापूर्वक करूँगा। तभी उनमें से मित्र ने तुरंत एक क्विक रिएक्शन दिया, ये तो सब कहला, ऐसा ना हो सके। तो अब उसमें क्या हुआ, फिर मैंने कहा नहीं भाई, होता है, मतलब अगर आप करना चाहें कर सकते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो उन्होंने मुझे तुरंत एग्जाम्पल दिया कि अरे मैं तो अभी दो दिन पहले घर गया था, जब घर पे थे तो मैं कोई कार्य कराने गया था, वहाँ पर मैंने 500 या जो भी अमाउंट उन्होंने बताया मुझे इतना दिया, तो जाके मेरा काम हुआ। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं जब कहीं सिलेक्शन होगा तो मैं भी करप्शन करूँगा। मैंने कहा देखिए भाई, ये तो आप अभी जो कह रहे हैं चीज़ें बिल्कुल सही है, मैक्सिमम लोग करते भी हैं, कर रहे हैं, तभी भ्रष्टाचार की समस्या। मैंने उनसे कहा कि अगर आप इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो इसकी शुरुआत आप खुद कीजिए। चलिए आज आपने उस करप्शन में, उस भ्रष्टाचार में एक तरीके से इनडायरेक्ट रूप से और डायरेक्ट रूप से भी आपने उसमें साथ दिया, लेकिन अगर आप फ्यूचर में कोई भी जॉब पाते हैं, भाई साहब इंस्पेक्टर की तैयारी से मौत करने वाले थे, ठीक है, तो आप उसमें जाइए, उस चीज़ की आप शुरुआत कीजिए कि नहीं, मैं करप्शन बिल्कुल नहीं करूँगा, यानी मैं घूस नहीं लूँगा, तो शायद ऐसी चीज़ें टूट सकती है हम जैसे लोगों की वजह से। अभी दूसरे भाई साहब ने कहा कि नहीं भैया, ऐसे में कौन बात ना, कहला तो सब लेकिन करेला क्या हो। तो मैं देखा, मतलब मैंने रियलाइज भी किया कि लोग अभी से, अभी उन्हें नौकरी मिली नहीं है, नौकरी मिलने से पहले ही उन्होंने सोच रखा है मुझे नौकरी मिलेगी, मैं भ्रष्टाचार और करप्शन करूँगा, तो इससे क्या होगा, देश का भविष्य तो खराब होगा। हाँ, और उसमें जो दूसरे मित्र थे तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जब लोग 10 लाख, 20 लाख, 4 लाख, 5 लाख दे के जब जा रहे हैं और कर भ्रष्टाचार के माध्यम से जा रहे, पैसा दे के सिलेक्शन उनका हो रहा है, तो उस पैसे की वसूली कैसे करेंगे, करप्शन के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से ना। मैंने कहा बिल्कुल सही है। फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आप ये बताइए, अगर मान लीजिए किसी का टीचर में सिलेक्शन होता है तो वो अपने पैसे की भरपाई कैसे करेगा। तुमने तुरंत कहा बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, सोचिए। उन्होंने इस चीज़ को तो बहुत अच्छे तरीके से कहा भी और एक्सप्लेन भी किया मुझे चीज़ें सारी, जो मैं शायद आपको ना बता पाऊँ उस लैंग्वेज में या फिर उस सब उस टाइटल के साथ वैसे लहजे। तो मैंने भी उनको एग्जाम्पल देने की कोशिश की और शायद उनको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, बाकी देश का भविष्य खतरे में रहेगा। तो ठीक है, मैंने उनसे कहा देखिए जिस तरीके से आप कह रहे हैं उसी तरीके से कोई और भी टीचर इसी मानसिकता के साथ आपके बच्चे को पढ़ाए, अपने बच्चे होंगे तो पढ़ाएंगे, तो आपके बच्चे का तो भविष्य खराब होगा। जिस तरीके से आप सेलेक्शन के बाद 1000, 2000, लाखों जितने आप बच्चे को पढ़ाएंगे पूरे जीवन काल, अगर आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, कोई भी आप ही जैसे के और भी लोग होंगे तो आपके बच्चे के, आपके फैमिली के बच्चे के भविष्य को खराब करें, तब तो करप्शन की चेन कभी टूटेगी। अगर इस करप्शन को, चेन को तोड़ना है तो इसकी परिवर्तन की शुरुआत हमें खुद करनी पड़ेगी। और हम इस तरीके से हमारी काफ़ी वार्ता हुई और फिर हम प्रयागराज पहुँचे। अब मैं बात आता हूँ जिसके लिए मैं यहाँ पे आया।
भ्रष्टाचार का मुद्दे। आज भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि लोग किसी शहर में नौकरी करने आते, नौकरी की तैयारी कम करते, उससे पहले वो इस चीज की तैयारी करते हैं कि इसमें करप्शन कितना है, यानी इससे ऊपरी कमाई कितनी आ सकती है। तैयारी यहाँ पर उस हिसाब से लोग करते हैं। मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर सकता, लेकिन ये मिनिमम भी नहीं। अच्छे प्रश्न करें तो करप्शन कहाँ से खत्म होगा? करप्शन कोई छोटी मोटी समस्या नहीं, लेकिन हाँ, इसका निदान बहुत ही छोटा है। इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत बहुत ज्यादा है। उसकी शुरुआत हम कभी दूसरे से नहीं कर सकते, खुद से करेंगे जब भी करेंगे। अगर आपका कहीं सिलेक्शन होता है, आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, दूसरा भाग मिल जाए, सिंपल फंडा, आप करप्शन का विरोध नहीं कर सकते, तो उसका साथ बिल्कुल ना दें, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो अक्सर लोग मैक्सिमम लोग मजाक में भी कर देते हैं, नहीं हम तो खुदा को मतलब करप्शन करेंगे, तो गलत है। मुझे लगता है कि कोई भी बुरी बात है या गलत वर्ड है, उसको लोगों को मजाक में भी नहीं बोलना चाहिए। मतलब मेरा मानना है ये सही भी है। और कभी भी, चाहे आप सीनियर हो या कोई भी हो, अगर आपको लगता है सामने वाला गलत है और आपको लगता है आपको वहाँ पे शायद आप जवाब दे तो मतलब समस्या हो सकती है तरीके से, तो आप वहाँ पे आपके वहाँ पे खामोशी ज़्यादा बिठे, लेकिन आपको लगता है आप बता सकते हो तो आप इस चीज़ के बारे में कहें, नहीं इसकी शुरुआत आपसे और हमसे हो सकती है। तो बस वीडियो यहीं तक है। मेरा बस कहने के मतलब ये है कि आप किसी शहर में कहीं पढ़ाई करने गए हैं, आपका मतलब होना चाहिए उस जॉब में सिलेक्शन लेना, जिस कार्य को आपको सौंपा गया उसके प्रति ईमानदार रहना, ना कि उस क्षेत्र के करप्शन के बारे में सोचना, या फिर ये सोचकर किसी जॉब में जाए कि उसमें कितना ज़्यादा करप्शन है, वहाँ से कितना ज़्यादा पैसा लिया जा सकता है। ऐसी सोच के साथ प्लीज आप किसी जॉब में ना जाए, देश का फ्यूचर तो खराब हो गया, साथ में आपका भी।